हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई बोलिए। बिल्कुल आवाज बिल्कुल भाई, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। रही है? अरे भाई यार, आपसे बात नहीं हुआ था वो पहले? तो भाई रिंग वाले आए थे यार घर पे, अभी कब? परसों परसों के पहले दिन भाई। अच्छा, स्मार्टफोन वाले भी आए थे भाई, स्मार्टफोन वाले भी आए थे, दोनों एक साथ आ गया था क्या? दोनों एक साथ आ गया था भाई। 1 घंटे पहले आया था रिंग वाला, और अच्छा। उसके 1 घंटे बाद स्मार्टफोन वाला आया। तो मतलब क्या अभी वो तो धमकी? दोनों दोस्त निकले मेरे, वो तो मेरे, एक तो मेरा जूनियर है वो निकला, वो बोल रहा है मेरे को डॉक्टर साहब आप निकले हो, तो मेरे को पता नहीं था, वरना वो बोलते है कि घर पे नहीं जाऊंगा। वो मतलब कि आप ही का तो मेरा दोस्त, दोस्त मतलब कि निकला है दोनों निकले, यही ना? ना, वो दोनों मेरे दोस्त निकले भाई। वो बोलता है कि अरे यार भाई तू है छोड़ना है कि माँ चूदने के पैसे नहीं चाहिए हमके, नहीं चाहिए हमको वो भाई। अभी अभी हम आपसे पूछने वाले थे कि भाई वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। नहीं नहीं भाई कुछ नहीं, वो दोनों दोस्त ही निकले, वही और वो ना। तो जो पहले वो घर गया था, वो तो उसने तो मेरा पैर ही पकड़ लिया भाई, क्योंकि वो लोग तो जानते हैं हमें कि भाई सॉरी मुझे गलती होगी, कि मेरे को मालूम नहीं था आप थे, तो वरना घर पे ही नहीं आपको जाता। आपको हमसे ज्यादा जानकारी वही दिया होगा, रिकवरी एजेंट ने दिया होगा क्या क्या हो सकता है आपके साथ, ना भाई उसने क्या बताया क्या हमको बोला? कि अभी उसने, अभी तो कुछ होगा नहीं, मैं बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मन के टेंशन नहीं ले भाई, मैंने के बोला मेरे को ऐसा कि कुछ होगा नहीं, कि हम लोग यहाँ से डाल देंगे कि एड्रेस वेड्रेस सब गलत है और ऐसा वैसा डाल देंगे भाई, कुछ होगा नहीं है। अभी तो बस आता नहीं है, रिंग का भी फोन आता बंद हो गया है, और स्मार्टफोन का भी फोन मैसेज आता नहीं है इतना, दो तीन आता है, एक दो एक दो। अब ना, परसों के बाद ना, अब आज 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 आया अभी है कि आया नहीं? आज एक भी फोन नहीं आया भाई, किसी बस का फोन नहीं आया, वो एक तो देखिए, पहले ट्रक आया था। रिकवरी एजेंट चाहे ना कि आप पर फोन आना बंद हो जाए, चाहे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना बंद हो जाए, तो बंद हो जाएगा। अब देखिए, डाल दिया कि एड्रेस ही गलती था, समझ गए, एड्रेस जो डाले थे गलती था। अब आपके घर पर कोई आएगा ही नहीं। ना इसीलिए तो उसने मुझे बोला कि अगर पहले मेरे को मालूम नहीं था, इसके लिए वो मेरे घर पे आया, पर बोलते हैं कि अभी तो फोन बोन तो नहीं आएगा शायद, मेरे जो मेरे बड़े पापा है ना भाई, उनके ससुराल में भाई, किनको नंबर कहाँ से मिल जाता है भाई, इनको उनके ससुराल में भाई जो लड़का है ना उनको फोन किया भाई, वो तो मेरे को ठीक से पहचानता भी नहीं है भाई, मेरे का तो मेरा पास सिर्फ उसका नंबर ही है, ससुराल के वो भी ठीक से ससुराल ने बात बात फोन भी किया, नहीं यही कर रहे ना हैं। बताइए। अच्छा, ससुराल में भाई फोन किया, और वो भी मेरा नहीं भाई, मेरे उनके बड़े लड़के पापा के है जो पास? मेरे पापा है, मेरे पापा है जो उनके बड़े भाई है, उनके ससुराल में जो है ना, जो उनका साला है, उनके लड़के को फोन किया ये कहाँ भाई। तक इसका चैन जुड़ा हुआ है भाई? सबका मोबाइल हैक कर रहा है क्या आप? अरे भाई क्या बताऊं भाई, मैंने तो सब मोबाइल ही मैंने वो कर दिया है भाई, रिसेट कर दिया देखिए, फोन, मेन बात अगर कुछ जानते हैं क्या परमिशन है? देखिए, वर्मिशन। मेन बात देखिए, मोबाइल हैक करने का नहीं है। नहीं नहीं वो तो परमिशन दिए हुआ था, आप, हाँ, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं? मोटोरोला का भाई। हाँ, तो बार सक, ये चाइनीज फोन है, ये क्या करता है ना, ये सब डाटा बेचता है, समझ गए, कंपनी को डाटा बेचता है। हाँ, ये डाटा बेचता है कंपनी को, उसके बाद ये कंपनी लोग भेज देते हैं कंपनी को, भाई ये कंपनी की तरफ से आएगा, प्रचार आएगा कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, लोन ले लीजिए। तो कैसे होता है ये? आपका जो मोबाइल नंबर, ये सारा चीज तो बेच दिया है, तो तभी मतलब कि ये सारा चीज, मतलब वहीं से नंबर ये निकलवा लेता है सब, समझ गए। अब ऐसे कैसे हुआ? मान लीजिए आपका हैक हुआ रहता मोबाइल, आपके मोबाइल में नंबर सेव है कि नहीं सेव है? उनका नंबर आपके मोबाइल में सेव है? आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हेलो, भाई आ रही है, फोन हाँ, बोल रहे थे। आ गया था भाई। हाँ भाई, बोल हाँ रहे भाई, थे कि जिनके पास कॉल गया है आपके मोबाइल में उनका नंबर सेव है? हाँ हाँ भाई, मेरा सेव, हाँ, तो सेम वही है उनका भाई, समझ गए। उनका फोन आया भाई मेरे में हाँ, अच्छा, कि भाई अभी क्या है ये सब, ये क्या, मैंने बोला कि भाई मेरे को तो नहीं पता ये सब क्या हुआ, तो बोलता है कि तूने कुछ लोन लिया हुआ है, कि मेरे में फोन आया, तो
मैं भाई चौंक गया सीधा कि आप में कैसे फोन आ सकता है। तो बोला नहीं भाई मेरे में फोन आया, उसने मुझे ऐप का नाम बताया, इतना लोन है वो बताया। फिर तो भाई अपन को मानना ही पड़ता है ना कि नहीं इसी वाले ने फोन किया होगा। इसी वो दोनों जो आए थे स्मार्ट कॉइन वाले से तो मैं मिला भी नहीं, उस पे तो फोन पे ही बात हो गया था। तो रिंग वाला है ना वो तो मेरा दोस्त ही निकला। तो बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं छोड़ छोड़ जाने दे उनके, कुछ होता नहीं है क्या, फोन वोन आना सब बंद हो गया है। मैं तो घर पे था भी नहीं, मेरी मेरी मम्मी और मेरे बहन और वो सब थे। तो लोन का जो सब फॉर्म वॉर्म होता है और सब फॉर्म वॉर्म देते गए सब घर पे, फॉर्म वॉर्म सब घर पे देके गए मेरा, इतना का लोन लिया इतना का है। अच्छा तो फॉर्म वॉर्म सारा चीज देख गया है यही ना? हाँ बस भाई वही। नहीं वो तो घर पे बोले भाई, थोड़ा मेरे को डांटा घर पे, फिर बोला कि ऐसा वैसा सब नहीं करने का ऐसा। फिर वो भी वो चला गया तो अभी क्या कर सकते है, वो तो चला गया। फिर बाद में उसने मुझे फोन किया। तो वो तो घर पे। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपको? करके बाहर पहुंचा तो आवाज आपकी बार बार कट जा रही है। हाँ हाँ आवाज आ रही है, आप बताइए अभी। हाँ तो वो बोल रहा था कि वो तो मेरे मम्मी और वो सब बाहर खड़े थे तो घर पे नहीं गया था। अंदर से पूछा तो मेरा नाम बताया, तो फिर ऐसा वैसा पता चला सब। फिर उसने मुझे फोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है। मैंने बोला, फिर वो उसको तो मेरा नाम तो मतलब नहीं मालूम था। फिर हम फेस टू फेस मिले तब बोला कि अरे भाई आप हो, मेरे को नहीं मालूम था ऐसा वैसा सब। फिर सब शॉर्ट आउट कर दिया भाई। अभी फोन वोन नहीं आता है किसी का, फोन नहीं अब आएगा भी नहीं। आप हाँ अब आप पर फोन आएगा भी नहीं, समझ गए? कोई टेंशन लेने वाली अब यहाँ पर बात भी नहीं है, सारा शॉर्ट आउट खुद ही वही कर दिया ना भाई। वही उसी ने मुझे बोला कि अभी भाई तू टेंशन मत ले, अभी कुछ नहीं होगा, अंदर अंदर सब मेरे दोस्त ही निकले वो। फिर भाई वो बोलता है कि मैंने पूछा भाई उससे उन लोगों को, भाई मेरे बोला मेरा मतलब टोटल 13,000 का लोन था रिंग का, तो मतलब अभी वो ड्यू चढ़ा चढ़ा के 16,000 कर दिए भाई, 16-17,000। तो मैंने पूछा उससे कि मैं भाई तुझे इसमें से कितना मिलता है, तो वो भाई साला बोलता है कि मेरे को तो भाई 10,000 मिलते है इसमें से, बाकी का थोड़ा है 2-3,000 ही कंपनी में जाता है, मेरे को पूरा प्रॉफिट मिलता है, 70-80% मिलता है भाई, ऐसा बोला है। 70-80% मिलता है? हाँ ऐसा बोला भाई, 70-80% हम लोग रखते है और ऊपर का जो टैक्स वैक्स होता है ना वही कंपनी में जाता है, ऐसा बोला भाई। लोकल एजेंसी एक दो और है कि मेरे को बोला कि अगर और कोई आए तो बोलना मेरे को, वो सब पहचान वाले ही है। लोकल एजेंसी को दिया हुआ है भाई, जो रोहित भाई ना मेरा दोस्त है उन लोगों की ही एजेंसी है भाई। ये उसमें नौकरी करता है। अच्छा, मेरा दोस्त। अच्छा। वो जिनकी एजेंसी है वो भी मेरा दोस्त है, उनका वो कुट्टा लेके आते हैं मेरे पास इंजेक्शन दिलवाने। नहीं तो अब आप पर कॉल नहीं आएगा, टेंशन आप फ्री हो जाइए, आप पर अब कॉल नहीं आने वाला है, समझ गए? आप पर कॉल अब नहीं आने वाला है, टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ भाई वो तो मेरे तो पापा भी भाई वो दोस्त गया था तो उसको भाई बहुत डांटा मारने वाले थे भाई, इसलिए उसने मुझे फोन किया तो फिर बच गया भाई, वरना मेरे पापा तो मारते उसको। मैं तो घर पे था ही नहीं भाई, मैं तो बाहर गया हुआ था। नहीं अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चलिए आपका तो टेंशन खत्म हो गया, अब तो टेंशन कोई है ही नहीं। हाँ भाई अभी जो खत्म हो गया ना अमेज़न पे लेटर का तो कुछ नहीं होगा ना भाई? नहीं उसका नहीं आया है अभी घर पर किसी, चलिए वो भी आएगा तो दोस्ती निकलेगा आपका, कोई टेंशन नहीं। हाँ वो भी दोस्ती होगा ना, क्योंकि अभी ये लोग उसने बोला मुझे जो आया था कि भाई लोकल एजेंसी को देते है ये लोग, एनबीएससी वाले जब भी होते हैं ना, वो लोकल एजेंसी कोई भी होता है सिटी में, कि मैं सिटी में रहता हूँ तो सिटी में आते हैं, गांव में नहीं आते। बोलते हैं कि गांव में हम लोग जाते हैं ऐसा दिखा देते हैं, बाहर बैठते हैं कहीं जाके पान के गल्ले पे वहाँ पे, और दिखा देते है कि गांव बंद है, घर बंद है, डर। देखिए ये देखिए ये डर बोलती है, समझ गए? वो सोचता है कि गांव में जाएंगे कहीं, समझते हैं गांव का माहौल कैसा रहता है ना, आपको पता होगा भाई गांव में तो मारते हैं सब। हाँ तो हमारे भाई वो वहाँ पर ना राजपूत, हमारे यहाँ
राजपूत बहुत है, इसके लिए डरते हैं सुबह जगह जाने से। चलिए आपका टेंशन खत्म हो गया, समझ गए, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, चलिए ठीक है तब, बस एक वही टेंशन था। हाँ हाँ, वो तो खत्म हो गया है, एजेंट तो घर आ गया, वो भी वो दूसरी बार आएगा तो मार खा के जाएगा, उसको भी पता है, इसलिए वो भी आएगा ही। हाँ। वो अच्छे से जानता है, पहले बहुत से जानता है, मेरा जूनियर है वो, अभी पढ़ रहा है, इसके लिए बोला मेरे को, भाई अभी आप होते तो मेरे थोड़ी जाता मैं करते हैं, ऐसा वैसा सब बोला उसने। फिर बोला अभी कुछ होगा नहीं कि मैं अंदर अंदर डाल दूंगा कि एड्रेस गलत है, ऐसा वैसा सब बोल रहा था मेरे को तो। नहीं आएगा, नहीं आप टेंशन मत लीजिए, अब आएगा नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी तो भाई शांति है, अभी फोन भी नहीं आते भाई, पहले 150-200 फोन आते थे, अभी नहीं आते फोन, हाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, आते पर मैक्सिमम 4-5 आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते अभी। चलिए तो आपका ठीक हो गया, ठीक है ना, अब इग्नोर कीजिए अब, ठीक ओके है, भाई। ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, ठीक, आपने भाई बहुत मदद किया भाई, थैंक यू भाई, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, इनसे बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पर, तो इनका दोस्त ही निकला रिकवरी एजेंट, तो बोल दिया, डाल दिया कि भाई एड्रेस गलत है, वो आप देखिए अब इस पर कॉल भी नहीं आता है, कॉल वॉल सारा चीज आना बंद हो गया, आप सुने ना अब यहाँ पर भाई, तो रिकवरी एजेंट से मान लीजिए वो आपसे सेटल करना चाहता है, तो 200-400 रुपया उसको देकर सेटल आप करवा लीजिए, हम तो यही बोलेंगे। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है भाई, एक सेकंड, आप इधर से कॉल लगा रहे हैं, तो हम तो भाई यही बोलेंगे कि रिकवरी एजेंट से आप सेटल यहाँ पर करवा लीजिए, यही ठीक रहेगा, 200-400 पैसा दे दीजिए, चाहे 500-500 दे दीजिए, बस अपना हो जाएगा उसका। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। जी गुड सर, इवनिंग भाई। आवाज आ हाँ रही भाई, है हाँ हाँ बोलिए। सर, आपने बताया था ना उसके पेमेंट, आपको बीच में कॉल बात हुआ था, अच्छा। नाम आने वाला था, आपने 2 तारीख को पेमेंट कर दिया था, ठीक है, तो आपने सर, आपने सही बोला, फिर उसने मेरा अकाउंट में पेमेंट डाल दिया कौन सा मनी भेव? इस बार सर, नहा मनी। ये तो फ्रॉड एप्लीकेशन जैसा नाम है। जी, फ्रॉडी है हाँ, ये एप्लीकेशन है, क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड होता है सर, ये फ्रॉडी एप्लीकेशन है, 7 डे में रिटर्न मांगता है। तो पैसा इसका दे दिए थे ना आप? जी 2 तारीख को पेमेंट कर दिया था, और उसके बाद इसने फिर मेरे अकाउंट में से पेमेंट कर दिया। तो क्यों आप पेमेंट किए थे? हम तो हर एक वीडियो में बोलते हैं भाई फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करने के लिए। जी, आपने बोले थे मैं इसका पेमेंट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम फिर मेरे को इसने पेमेंट अकाउंट में डाल दिया। इस बार सर क्या किया ना सर, सीधे सीधे 22,000 रुपया ले लिया उससे, अब पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, कितना फोन कर रहा हूँ, 22,000 ले लिया। पैसा कितना दिए थे स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में सर 12,000 रुपया दिया था उसको, 7-5-12। चलिए तो आपका कोई लॉस नहीं, फायदा ही हुआ है आपका। नहीं सर, इसमें उसने मेरे को 7,200 दिया, मैं उसको 12,000 पेड किया। आपसे बात हुआ था सर, बोलेगा आप पेड मत किए, मतलब एक बार पेड कर ले तो कर देता है, इसके इसके बाद सीधे 22,000 उठा लिया, और मेरे बार बार फोन करा, मेरे कॉन्टेक्ट में फोन कर, आपका सब फैमिली वाले को बता दिया, आप जैसे बोले थे स्टेशन डाल दो, वीडियो डाल दो, मैं पूरा फैमिली वाले पूरा बता दिया। कंटिन्यू मेरे को कॉल पर कॉल कर रहे हैं वो लोग, रिक्रीमेंट करो रिक्रीमेंट करो, वैसा कोई फोन ही नहीं उठा रहा। देखिए कॉल करता है तो एक सोल्यूशन देते हैं, रिकॉर्डिंग चालू कीजिए, ठीक है जी। स्टार्टिंग से उसको गाली देना स्टार्ट कर दीजिए, जी उसको गाली देना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद वही कॉल डिस्कनेक्ट करेगा, जब जब कॉल करता है तब तब उसको गाली दीजिए, जी बढ़िया बढ़िया गाली, उसके बाद देखिए कॉल आना ही बंद हो जाएगा, 2 दिन के बाद कॉल आना सारा चीज बंद हो जाएगा, वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास भेज दीजिएगा। जी जी सर बिल्कुल, जितना मैंने दबा के पूरे जितना दबा कर दबा कर, देखिए खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और दूसरे लोगों को हम ये बताए हैं ना, वो भी गाली दबा कर दिए हैं, तो वही हम भी यही एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो गाली दीजिएगा 2 दिन सर, जी तो वो कॉल नहीं करेगा। जी उसने मेरा प्रोफाइल पिक्चर ले लिया है सर। हाँ तो लगाए होंगे तो लिया होगा व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर था ना फैमिली के साथ, ये बोल रहा है कि तुम्हें फोटो कचरा कर, जो कर ला जो कर मारा, जो मित्र को 1 रुपया देने वाला हूँ नहीं, जो करना जहाँ भेजना अपना भेज दो भाई, क्या टेंशन है, अब तुम्हारा मर्जी भेजना है भेज दो। अब बोला जो आप पेमेंट किया है ना, जितना मैं पेमेंट आपका अकाउंट में आया उतना ही डाल दो, पहले 1 रुपया देता नहीं अब। अब बोलिएगा कि हमारा फायदा यहाँ पर हो गया ना भाई, जो पैसा तुमको पहले दिए थे वो लॉस, अब डबल फायदा हो गया, तो क्यों हम पैसा दे भाई, अपना रास्ता क्लियर हो गया। और वो भी सर पूरा नंबर पाकिस्तान पाकिस्तान के नंबर से फोन आ रहा है,
हाँ पाकिस्तान बांग्लादेश से इन सब नंबर से फोन आएगा तो वहां तो भाई गाली दीजिएगा, आपको नहीं बताया यही आप ट्राई कीजिए, समझ गए। हाँ ये मेरा बॉस से बात कीजिए, फिर बॉस को भी गाली दिया, बॉस फोन कर दिया, फिर फोन नहीं किया। वो बोला मेरा बॉस से बात करो, बॉस को भी गाली दिया था, फोन कर दिया। अच्छा जी, नहीं तो आपकी बार रिकॉर्डिंग कर भेजिएगा हमारे पास, समझ गए। दो दिन गाली दीजिए ना दबा कर, फोन आना बंद हो जाएगा, बोले नहीं आप। दो दिन और दबाएगा? हाँ दो दिन आपको और दबा कर गाली देना है, फोन बंद हो जाएगा, काम खत्म। सिम बंद कर दो कुछ दिन के लिए? ना ना गाली देना आपको, सिम नहीं, गाली देना आपको, दो दिन गाली दीजिए खाली। हाँ बस, हाँ गाली देकर बंद कर देता। बिल्कुल बिल्कुल बंद कर, फोन कर ले एकदम एकदम। जी सर, जी सर, ठीक है ना। वो ये वो सर आपने मेरे को मना किए थे, पेड नहीं करना है, पेड नहीं करना है। सर दो तारीख को पेड कर दिया, फिर बोला कि आपने बोले कि जितना मिल रहा है ले लीजिए, क्या लिया सर? 22,000 उठा लिया। चलिए ठीक है सर, 12,000 दिया, 22,000 लिया सर। 6,000 उसके पहले 7,200 दिया था ना, ये सीधे सीधे 22,000 उठा लिया। अब दिया ना, अब मैं सीधे बोला मैं सिविल में सो नहीं कर रहा, सिविल 800 का 800 है। और सर मेरे को ये ऐसे रुपी पे के मतलब जेन्युइन है क्या पे रुपी? जी जी, देखिए सिविल में शो कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है तो मत दीजिए काम खत्म। सर पे रुपी सिविल में शो नहीं कर रहा है तो फ्रॉड। जो पेमेंट जब लिया था ना सर, तो मेरे को स्टेटमेंट भेजा है, मेरे स्टेटमेंट जेन्युइन लगता है। नहीं तो सिविल में शो कर रहा है तभी दीजिएगा, नहीं शो कर रहा है मत दीजिए काम खत्म। जब सिविल में नहीं शो कर रहा है तो भाई कहाँ पूछो का थोड़े ना, मेन तो भाई सिविल स्कोर का टेंशन है ना। जी सर, जो सिविल में शो नहीं कर रहा है तो मत दीजिए काम खत्म। कितना दिनों के लिए लोन दिया था वो? 14 दिन का, 14 दिन का, वो भी 3,900 का लोन दिया था, 3,900 का लोन दिया था। और पहला लोन पेमेंट मांग रहा है 40 डे में, 14 दिन में, हमको दिन में। हमको तो लग रहा है फ्रॉड ही है, इसको भी छोड़ दो क्या? छोड़ दीजिए, हमको तो ये फ्रॉड ही लग रहा है, समझ गए, फ्रॉड ही है। अगर सिविल डाउन नहीं होगा इसको भी छोड़ देता, इसको भी नहीं देता। हाँ हाँ देख लीजिए, सिविल डाउन नहीं होगा, फ्रॉड ही है। जी जी, थैंक यू सो मच सर। ठीक है ठीक, चलिए दोस्तों बात हो गया, इनको बता दिए, अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट तक देखिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, समझ गए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब, और रिंग स्मार्ट कॉइन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है, हमारा कोई भी वीडियो देखिएगा तो भाई यही बोलते हैं, भाई फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रिपेमेंट ना किए कीजिए, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट कीजिएगा तो बहुत ये लोग एडवांस। देखिए चलिए इनके पास भी कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट तक देखा कीजिए वीडियो, आधा अधूरा तो भाई किसी को वीडियो देखना ही नहीं है, ये पूरा चलेगा, पूरा लंबा वीडियो चलेगा भाई, 30 मिनट तक वीडियो चलेगा, तो आपको 30 मिनट तक वीडियो को वॉच करते रहना है। आधा अधूरा कोई भी आपको वीडियो देखना नहीं, आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, आधा अधूरा वीडियो देखा भी नहीं जाता, आधा अधूरा वीडियो समझ सकते हैं कभी नहीं देखा जाता है, पूरा कंप्लीट आप लोग देखा कीजिए। यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आप सभी लोग को जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, देखिए बोल रहे हैं मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल कर देंगे, चलिए कॉल लगाते हैं भाई, बोल रहा है गलत फोटो का इस्तेमाल कर देंगे भाई, सबके साथ तो यही बोलता है, तो आप स्टोरी लगा दीजिए काम खत्म, मोबाइल हैक हो गया है, बोल दीजिए इस्तेमाल करने के लिए, दो दिन दबा कर गाली दीजिए ना, जब जब कॉल कर रहा है तब तब आप गाली दीजिए, दो दिन इसको दबा कर गाली दीजिए, उसके बाद देखिए कॉल मैसेज करना ही बंद कर देता है। आप कॉल अब ये सोचिएगा भाई क्या गाली दे, ये दे वो दे, बस वो बार बार आप पर कॉल करेगा, बार बार आपको धमकाएगा, बार बार आपको डराएगा, जब तक आप अपने तरीके से ये नहीं कीजिएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ भाई आवाज आ रही है भाई, थैंक यू सर। बोलिए भाई। सर ये बात करनी थी, अभी वो एम पॉकेट वाला जो आपने तरीका बताया था कि रूप को बात करने का बोल्ड होके है ना, तो वो किया हमने अभी सब कुछ है, तो बाद में हमने वो कॉल उठाना बंद कर दिया। तो पहले तो वो जीमेल में भेजते थे मैसेज रिकवरी एंड का ये वो, अभी वो तो आना बंद हो गए और ड्यू भी लगना बंद हो गया। जब डबल हो गया अकाउंट वे सब कुछ ड्यू लगना बंद हो गया मेरा। तो एकदम से आज मैंने सिर्फ स्कोर चेक किया, वो भी मेरा पता नहीं कैसे वो अप हो रहा है। अच्छा सिविल स्कोर आपका बढ़ रहा है अब? तो अभी ना मैंने
सिविल स्कोर बढ़ने लग गया, पता नहीं कैसे सिविल स्कोर बढ़ गया, पहले बहुत कम था, मैं तो 500 कुछ था, अभी आज चेक किया 644 हो गया था। चलिए ये बहुत बढ़िया बात है ना, सिविल स्कोर आपका बढ़ रहा है। हाँ, तो वो रिकवरी एजेंट का भी जो आपने बताया था कि लोकली होते हैं, तो वो भी हमने कॉन्टेक्ट कर लिया था लोकल रिकवरी एजेंट से। अच्छा अच्छा, जो फाइनेंस कंपनी होती है। हाँ हाँ हाँ, तो वो बोले ऐसा कोई चक्कर नहीं है, घर पे नहीं आएंगे। तो अभी ये ना कल गलती से हमने दोबारा फिर वो अकाउंट, वो फोन आया था उनका, उठा लिया। तो पर हमने उनसे बात तो नहीं की, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे हम फोन करेंगे, बोल दीजिए करने के लिए, बोल दीजिए उसको करने के लिए। वीडियो अपने बोल रहे थे, वो वीडियो नहीं लेते होते, अभी हम डिक्लेयर करते हैं कि हम लोन पे करेंगे। हाँ 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 बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हमने बात ही नहीं किया, हमने रिप्लाई नहीं किया वो अब। हाँ जी हाँ, तो हमने बाद में, देखिए आपसे पहले बात हुई, एक एक जन से बात हुई, रिंग स्मार्ट कॉइन से निकल लोन लिए थे, समझ गए? जी। दोनों घर पर पहुंच गया उनका परसों, दोनों दोस्ती निकला, बताइए, समझ गए? दोनों दोस्ती निकला, तो बोला कि भाई कोई लीगल एक्शन नहीं होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये ऐसा ही है, समझ गए? वो पूछा कि भाई गाँव में जाते हैं कि नहीं, तो बोला कि भाई गाँव में नहीं जाते हैं लोग, बस ऐसे ही दुकान पर, पान के दुकान पर, समोसे के दुकान पर, टपरी पर बैठ जाते हैं, झूठ मूठ का बोल देते हैं कंपनी में पहुंच गए हैं, लोकेशन ही गलत है, समझ गए? ऐसे बोल देता है सर, लोकेशन ही गलत दिया है। नहीं ऐसे ही है, वो फाइनेंस कंपनी, हमने हमारे गांव में जो है वो एक दो होते नहीं है, वो बड़े भैया टाइप होते हैं, तो उनसे बात की थी, वो लोकल रिकवरी करते हैं जो फाइनेंस कंपनी के लिए होती है, तो उनसे पूछा है, वो कहता है हमारे यहाँ तो इतना कोई पैसे की रिकवरी करने आता ही नहीं है, वो कहता भी बाहरली दूर की कंपनी को, जो अब पंजाब में है हम, तो इतना तो होगा ना, कोई चक्कर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता की कंपनी है, वो भी अगर रिकवरी एंड आएगा, कहता है कि जो होगा जहीं से लोन लिया होगा तभी आएगा, कहता बाहर का तो आता ही नहीं है हमारे यहाँ। तो ऐसा कोई, वैसे तो अभी हम जमा, पहले तो एकदम से ऐसा हो रहा था, जैसे तब आपसे बात की थी आई थिंक 15 दिन पहले, तो ऐसा लग रहा था कि घर छोड़ के चले जाए कहीं पर, तो अभी तो सब कुछ सही हो गया है, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट का डाउट है कि वो करेंगे तो नहीं, हमने ऐप तो कब कंप्लीट किया हुआ है। नहीं देखिए, एप्लीकेशन कौन इंस्टॉल किए हैं तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल नहीं जाएगा, इंस्टॉल किए रहेंगे तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर देगा। तो वो तो कोई ऐसा हो नहीं होगा, ना ना ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए डबल कर दिया, जो भी लोन था लिया था मेरा 7,000 का लिया हो तो 7,000 कुछ पैसे 500 होगा, तो वो लोन इन्होंने 15,000 का करके वो ड्यू लगना बंद हो गया अभी। 2-3 दिन से देखते हैं पर ओके भूल जाए, हेलो। तो अभी तो कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना सर? ना ना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लोन भी हमारा एक ही था, अभी बस ऐसा सोच रखा है जब पैसा आएगा तभी देखेंगे पेमेंट करने को, नहीं सिविल स्कोर भी बढ़िया हो रहा है। बढ़ने दीजिए सिविल स्कोर, एक घर का टेंशन था बस, वो रिकवरी एंड का भी हो गया सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, नोटिस का जी भेजेंगे वो तो कोई बात ना नहीं ना है। वो नोटिस कुछ नहीं आता, वो सारा चीज फेक होता है। बस एक जी बस कॉन्टेक्ट का डाउट था वो, नहीं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तो कॉन्टेक्ट इस पर कॉल नहीं जाएगा। और जी जो जीमेल पे कई बार लिंक भेज देते हैं पेमेंट करने के लिए, उस पर भी मेरे हिसाब से क्लिक ना करूंगा ना? ना ना उस पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, लिंक तो बहुत खतरनाक चीज, तो लिंक ओटीपी, समझ गए? लिंक और ओटीपी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो क्या पता इंस्टाग्राम हैक हो जाए, क्या पता मोबाइल ही हैक हो जाए, आजकल हो रहा है ना, लिंक पर क्लिक कर देने से भाई हैक कर ले रहा है सब। हो सकता है ऐसा, लिंक पर भी क्लिक करना बंद ही कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खतरनाक चीज है। पहले तो बहुत एकदम से ना ऐसा मेरे को डराते थे, मैंने एक दिन फोन उठा लिया और बोले कि हम तेरे घर पे आ जाएंगे, ये वो करेंगे, पहले तो लड़की बोली, लड़की को जब हमने कह दिया भी ऐसा है हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो मेरे फोन काट दिया, फिर एक लड़के का फोन आया एकदम से, तो वो ऐसा बोल रहा था तेरे घर पे आ जाएंगे, तेरे पापा को बताएंगे ये वो फलाना, तो
डराने की पूरी कोई, उस दिन मैं पूरा डर गया था कि अभी 15,000 मैं भी स्टूडेंट हूँ तो कहाँ से करूंगा मैं। तो मुझे बोला 10,000 कर दे, हम तेरा सेटल हो जाएगा लोन बस। तो मुझे तभी बस एकदम से यूट्यूब पे सर्च किया आपका, दिखा वीडियो आपका। वैसे सर एक दर से बताऊं, आपका सही बहुत है। दूसरे दो तीन यूट्यूबर है, मैंने उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो अपना चार्ज कर रहे हैं पैसा 50 रुपए। हाँ मैं बोलूं मेरे पास बात करने पैसा के लिए, होता तो मैं पेमेंट करता बात करने के लिए। एक तो इधर ऐसे ही लोग पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, बताइए जी, वही वही बात है। एक तो रिपेमेंट के लिए ऊपर से मतलब कि वो पैसा ले रहा है सब बात करने के लिए। और मैंने कब का मेरा इतना टेंशन हो गया था ना कि अगर घर पे आए, आपको तो पता ही पंजाब में कैसा सिस्टम होता है, हमारे तो फादर साहब इतने रूडली है कि घर से निकालने वाला काम हो जाता हमारा। तो अभी कॉन्टेक्ट लिस्ट का कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, आराम से बिंदास रहिए, टेंशन वेंशन कुछ लेने वाले जरूरत नहीं। आज पहले तो 10-10 करते थे, अभी संडे है, आज 3 आए थे। नहीं उनको नॉर्मली एक कॉल आती है बस रोज, वो मैं उठाता नहीं हूँ। वो आज बस गलती से उठ गया एक बार, वो मैं बोली बोलने लग गए, जसप्रीत जी आप सुन रहे हैं, एक बार मैंने वो आपने शायद आपने ही वीडियो पाई थी वो पुलिस पुलिस कर्मचारी वाली, मैं वो भी ट्राई कर दिया, वो भी वो बड़की बहुत 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 बड़की, वो उसकी सच में बात करा दी हमारे गांव के पुलिस ऑफिसर से। वो बोला आइए आप हमारे थाने में स्वागत करेंगे। ते बस वो ऐसे, इसके बाद तो वो ना तो वो एम्प्लॉयमेंट आईडी बता रही थी अपना। लड़की ऐसे भी डर, हाँ लड़की ऐसे भी है, डर जाएगी, समझ गया। तो बस इसके बाद तो अभी बस आज थोड़ा सा डाउट हो गया था मन में कि कांटेक्ट लिस्ट कहीं पर कहीं रिश्तेदारों में है ना। ना ना नहीं जाएगा कॉल, कोई टेंशन नहीं, मेरी बात नहीं। और रेफरेंस में तो यही नंबर जो मेरे पास अभी चल रहा है रेफरेंस में तो वही दिया हुआ था, दूसरा तो वो बंद बंद हो गया है नंबर मेरे दोनों, इस पर लोन था। तो बस थैंक यू कहना था भाई आपको। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है, समझ गया, कोई टेंशन नहीं। आपने तो जान बचाने वाली बात की थी मेरे साथ। मैं आपसे बात करने के पहले मैं तो घर छोड़ने की देख रहा था, घर छोड़ के कहीं चला जाता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नहीं ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, समझ गए आप, जो अब नहीं जानिएगा तो थोड़ा डर लगा रहता है, किसी को भी डर लगेगा। पेमेंट पेमेंट सर कर भी देते, हम पेमेंट कर देते, बहुत ज्यादा वो लगा दिया इन्होंने। यही तो गलत है ना, यही तो गलत है वो सब। जब जब हमारी रीपेमेंट करनी थी तभी इन्होंने कॉल एक भी नहीं किया, जब ओवरड्यू हो रहा था, जब अचानक से 7 का वो 12 हुआ तब कॉल करने लगे। ये भी लूटते हैं आदमी को। तब वही ना, ड्यू लगाएगा तो सब ज्यादा ना फायदा है भाई। हाँ तो अभी तो मैंने बस टेंशन लेने ही छोड़ दिया था इसका। तो आप ये भी बता दीजिएगा अगर कई बार रिकॉर्ड करना हो तो मैं आपके लिए साथ हूँ, तो यूट्यूब पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी स्टोरी बता दीजिएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है ना साहब। ये वो डरा देते हैं लोगों को बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस करते हैं पूरा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हो गया था, अभी क्या करूं अभी। तो थैंक यू सर। ठीक है भाई, ठीक ठीक ठीक, हां थैंक यू सर, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनसे बात होगी, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर तो इनका सॉल्व हो गया मुद्दा भाई, आप लोगों का मुद्दा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ तो आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा वीडियो, तब ना आप सबका मुद्दा सॉल्व होगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हेलो। हाँ हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर। हाँ हाँ बोलिए सर। मैंने कल वो एक सोशल मीडिया पे आपका ये आया था वो सर, क्या सर एडवांस करके सर, उस पे क्लिक किया तो उस पे थोड़ा मैंने गलती से एक लोन ले लिया था सर। कल 3 बजे ही लिया है सर, दोपहर को। सर उसमें आगे अभी आपका वीडियो देखा तो पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सर। ना ना वो तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, उसका तो रिपेमेंट नहीं करना है आपको। अच्छा सर, रिपेमेंट नहीं करना है ना? ना ना आपको तो रिपेमेंट नहीं करना है।